सिनेमा डे के दिन जिन जिन लोगों ने चुप मूवी का टिकट लिया था 75 रुपीज में, उन लोगों को ये भी तक पता नहीं था कि ये जो मूवी होने वाली है किस टॉपिक पे होने वाली है। 75 रुपीज में टिकट मिल रहा है तो चलो एक आधी मूवी देख लेते हैं। थिएटर में आके ऐसा होता कि क्या दे, कई लोगों ने तो 75 रुपीज के चक्कर में अपने गर्लफ्रेंड को भी लेके आए होंगे थिएटर में। चलो आज 75 रुपीज का टिकट मिल रहा है तो तुमको मैं मूवी दिखाता हूँ, चुप। फिर उसके बाद साड़ू का ब्रेकअप भी हुआ होगा। और भाई कमेंट करने से पहले मैं मानता हूँ कि आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, मेरी भी नहीं। बकवास बंद करते हैं और सुनने के लिए थैंक यू। तो अब अपन मूवी पे बात करें। देखो मूवी का नाम है चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। ये नाम क्यों रखा, मूवी देख के आपको समझ में आ जाएगा। इसमें अपने को सनी पाजी और दुलकर सलमान दोनों देखने को मिलते हैं। तो पहले मैं बात करूँ सनी पाजी की, तो जो साइको किलर का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सच को गुरु तो उनका जो कैरेक्टर है उनपे जज नहीं हो रहा है, मतलब वो उस कैरेक्टर में परफेक्ट नहीं फीट हो रहा है। पता नहीं उनका कैरेक्टर अपने को इतना मैच नहीं लग रहा है उसमें। सनी पाजी घर गिरा के कोई स्टार गिर मत देना, सिर्फ कमियां निकल रहा हूँ, मूवी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। और किसी भी लोंडे के मुंह से बुरा शब्द आया ना तुम्हारी मूवी से तो भाई उसको स्टार दे दी, क्योंकि गुरु मैं गारंटी देता हूँ कि ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। हाँ इसमें आप कमियां निकाल सकते हो। दूसरी तरफ दुलकर सलमान, पता नहीं उनका नाम मैं अच्छी तरह से ले रहा हूँ तो थोड़ा माफ कर देना, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है इसमें, उनका जो परफॉर्मेंस है, यार क्या एक्टिंग है यार बंदे ने, लाजवाब यार। मुझे एक ही शब्द निकलेगा, सैल्यूट बॉस। और सेकंड हाफ में तो भाई पूरा साइको किलर लग रहा था अपने तेरे नाम सलमान भाई की तरह, उनका नाम तो लेना नहीं था, आ गया मुझसे, लेकिन कुछ ऐसा ही उन्होंने कैरेक्टर को जिया है। तारीफें गिरी पे बहुत हो गई, थोड़ी स्टोरी लाइन पे आ जाए। तो मूवी स्टार्ट होती है क्रिटिक्स से, जो कि जिंदा नहीं, उसकी लाश पड़ी अपने घर में। तो उससे इन्वेस्टिगेशन करे अपने सनी पाजी, वो हैरान है कि ऐसा कौन कर रहा है भाई, मूवी देख के उसको ऐसे ऐसे स्टार दिए कम ज्यादा करके उसको मार रहा है। तो बस यही तो मूवी की कहानी है, जो मूवी को अच्छा बोलेगा वो तो बच जाएगा, लेकिन अच्छी होके भी उसकी बुराई करेगा और जो बुरी मूवी उसे अच्छा बोलेगा पैसों का ही मामला हो सकता है। तो फालतू में कोई भी अच्छा बुरा तो नहीं कहता किसी चीज के लिए। तो बस इसी चक्कर में वो जो साइको किलर है उसका दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है और वो क्रिटिक्स का बाप होके उनको ही उनके स्टार देता है माथे पे। ज्यादा मूवी में कुछ नहीं है कि आपको मास एक्शन तगड़ी मिलेगी, कुछ नहीं है, एक सिंपल सी स्टोरी है। इंस्पायर गुरुदत्त की जो मूवी, आप लोगों को पता ही होगा क्रिटिक्स ने उनकी मूवी पूरी तरह से पीट दी थी। वैसे अपन को क्रिटिक्स नहीं, अपन तो स्टार भी नहीं देता है, तो अपने को डरने की बात नहीं है। तुम्हारे हिसाब से इस मूवी को कितने स्टार दे दूं कमेंट में बता देना। देखो इस मूवी के आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। देखो जो मूवी स्टार्ट होती है, एक तरफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपने सनी पाजी साइको किलर के पीछे लगे हैं और दूसरी तरफ दुलकर सलमान का जो प्यार लव एंगल दिखा रहा है। मुझे लगा कि भाई साहब एक तरफ ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और दूसरी तरफ ये क्या प्यार का मोहब्बत। बाद में पता चलता है कि बबुआ ये कनेक्शन इसका। फर्स्ट हाफ में ये मूवी अपने को साइको किलर का राज खोल देती है। आपके सामने स्पॉइलर दे दूं, दिया दुलकर सलमान इस मूवी का साइको किलर है, लेकिन इसके पीछे भी कहानी है कि वो साइको किलर बनके क्रिटिक्स को क्यों मार रहा है। तो ये आप लोगों को मूवी में देखना पड़ेगा कि भाई साहब तो ऐसा ऐसा क्यों कर रहा है। अपने को तो मूवी देखने में मजा आया कि बिना स्पॉइलर का मैं आपको क्या ही बताऊं इस मूवी के बारे में। आप मूवी देखो थिएटर में जाके, पता चलेगा कि मूवी में असल में क्या है। और आप क्रिटिक्स हो तो भाई आपकी तो लगने वाली इस मूवी को देख के। टाइम पे मुझे भी लगा था कि बंद करना चाहिए भाई ये रिव्यू देख के। फिर बाद में मूवी एंड होते होते ऐसा लगा अबे नहीं, ये तो अपन स्टार देता नहीं है तो अपने में कुछ झमेले की मेला नहीं आ जाएगा। बाकी आपको ये मूवी देखनी है तो फैमिली के साथ या बच्चे के साथ आप बिल्कुल भी इस मूवी को मत देखना, क्योंकि मूवी में इतना खून खराब है, इतना ब्रूटल दिखाया गया है कि आपकी भी फट जाएगी। और फर्स्ट हाफ तक आप कुछ भी खाए या मुझे नहीं पता, आपको ब्रूटल चीजें देख के खाना पचन भी होता होगा, मुझे तो होता है भाई, मैं कुछ भी बोल देता हूँ ये देख के को खाना पचन होगा भाई। तो बाकी आपने मूवी देखी होगी तो मुझे बता देना कि आप कितने स्टार दोगे इस मूवी के लिए। भले आप क्रिटिक्स नहीं हो फिर भी मुझे कमेंट में बता देना कि आप इस मूवी के लिए कितने स्टार दोगे, मैं तो नहीं देने वाला हूँ भाई। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, जॉब से आके भी वीडियो बनाना पड़ता है, प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना। तो बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।